कम से कम इतना आपको करना चाहिए। मैं आपके दिन की प्रकृति और आपके जीवन का भविष्य तय करेंगी। तो एक अलार्म से अचानक जागना जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है। अच्छा होगा कि अगर आपकी नींद, जिस तरह का भोजन आप करते हैं और जिस तरह के विचार और भावनाएं अपने अंदर रखते हैं और आपने अपने शरीर में जीवंतता का जो स्तर बनाए रखा है, उससे तय होगा कि आपको कितनी नींद की जरूरत है। मान लीजिए आपको 8 या 12 घंटे की नींद की जरूरत है। मैंने गलत संख्या बोल दी। आपको जितनी भी नींद चाहिए, आप अपनी जरूरत जानते हैं, तो पर्याप्त जल्दी सोने चले जाएं ताकि आप अपने आप जाग सकें। अगर आप खुद जागते हैं और मान लीजिए आपको संदेह है कि आप जाग पाएंगे या नहीं, तो अगर आपके पास कोई मंत्र, शारीरिक रूप से आपका एक महत्वपूर्ण पहलू है आपका हृदय, जो आपके रक्त संचार के लिए पंपिंग स्टेशन है, जो शरीर में जीवन भरता है। ये ना हो तो कुछ नहीं होगा। ये बाईं तरफ से शुरू होता है। तो आपको पता है, भारत में आपसे कहा जाता है कि आप जब जागें तो आपको दाहिनी तरफ करवट लेकर उठना चाहिए। बताया, अगर आप बाईं तरफ करवट लेकर उठेंगे तो आपके साथ खराब चीजें होंगी। खराब चीजें उस तरह नहीं, जब आप आराम की स्थिति में होते हैं, जब शरीर आराम में होता है तो मेटाबॉलिक क्रिया धीमी होती है। जब आप उठते हैं तो सक्रियता में एक उछाल आता है। इसीलिए भारत में कहा जाता है, देखिए, ये चीजें जीवन का हिस्सा थीं, इन्हें आप छोड़ रहे हैं। जीवन का पूरा विज्ञान जीवन का हिस्सा था। आपसे कहा गया कि सुबह जागने से पहले अपनी हथेलियां आपस में रगड़कर ऐसे देखना चाहिए। देखना नहीं, आपको उसे अपनी आंखों पर रखना चाहिए। आप ऐसा कीजिए, आपको भगवान दिखेंगे। ये भगवान देखने के बारे में नहीं है। अगर आप इन दोनों को साथ रगड़ेंगे तो सभी नसों के सिरे आपके हाथों में ढेर सारी नसों के सिरे होते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो शरीर तुरंत जाग जाता है। अगर आपको नींद आ रही है तो ऐसा करके देखिए, सब कुछ जागृत हो जाता है। तो सुबह शरीर को हिलाने से पहले आप उसे जगाइए और फिर इसे अपनी आंखों पर रखिए। तुरंत आपकी आंखों और आपकी इंद्रियों के दूसरे पहलुओं से जुड़ी नसें जागृत हो जाएंगी। शरीर के हिलने से पहले शरीर और दिमाग को जागृत होना चाहिए। इसके पीछे यही मकसद है, समझे? तो आप ऐसा कीजिए और फिर अपनी दाहिनी ओर करवट लेकर उठिए। आज अगर हम सब सोते हैं तो दुनिया में कल सुबह लगभग 2.5 लाख लोग नहीं जागेंगे, प्राकृतिक मृत्यु के कारण। मान लीजिए आप कल सुबह जागे, क्या आप गारंटी कार्ड के साथ आए? कोई गारंटी कार्ड नहीं। तो मान लीजिए आप जाग जाते हैं।